नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? ऐसा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर लगातार हम समीक्षा कर रहे हैं, लगातार हम सर्वे कर रहे हैं। और इसके पहले हमने एक वीडियो आपको दिया था जिसमें सभी सीटों का हमने बताया था, कौन सी पार्टी कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन सी पार्टी सबसे आगे है। अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज ये सर्वे दिखाने जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी पार्टी मजबूत है और किस ज़िले में कौन सी पार्टी कितनी सीटें मिल सकती हैं। आज हम 8 ज़िलों की बात यहाँ पर करेंगे। पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा, हावड़ा, कोलकाता और मालदा, ये टोटल 8 ज़िले हैं। और इन 8 ज़िलों में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन सी पार्टी मजबूत है, मुख्यमंत्री का पसंदीदा चेहरा कौन है और किस पार्टी के लोग सरकार बनाना चाहते हैं, वही हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहला ज़िला हमने जो लिया है वो पूर्व मेदिनीपुर लिया है। पूर्व मेदिनीपुर की बात करें तो यहाँ विधानसभा की टोटल जो है कि 16 सीटें हैं। और इन 16 सीटों में अब आपको बताते हैं किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिल सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस यानी TMC की बात करें तो TMC को 10 सीटें मिल सकती हैं। वहीं CPM और INC इन दोनों का गठबंधन है और इनकी बात करें तो इनके खाते में अभी फ़िलहाल तो कोई सीट जाती हुई नहीं दिखा दे रही, यानी यहाँ पर जो लड़ाई है प्रमुख रूप से BJP और TMC के बीच में है। एक बात का यहाँ मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, ममता बनर्जी के कैबिनेट में एक मंत्री हैं, TMC के कद्दावर नेता हैं, शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी पे लगातार जो है कि कुछ दिनों से चर्चा चल रही है कि वो TMC छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके की तमाम खबरें जो हैं कि मीडिया में हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये भी कंफर्म नहीं हुआ है कि वो BJP में जाएंगे या TMC में रहेंगे या फिर क्या करेंगे। तो अगर शुभेंदु अधिकारी जो है कि TMC को छोड़ते हैं तो पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर शुभेंदु अधिकारी का जो है कि अच्छा खासा जनाधार है, तो ये नतीजे बदल जाएंगे। तब पूर्व मेदिनीपुर में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिल जाएगी यदि शुभेंदु अधिकारी BJP में चले जाते हैं तो। हालांकि अभी जाएंगे नहीं जाएंगे ये अभी भविष्य के गर्भ में है, अभी इस पर कुछ भी किसी प्रकार की जो है कि खबर आधिकारिक रूप से नहीं है। चलिए दूसरे ज़िला की बात करें तो दूसरा ज़िला है पश्चिम मेदिनीपुर। पश्चिम मेदिनीपुर की बात करें तो यहाँ पर भी विधानसभा की काफ़ी सीटें हैं, 15 सीटें हैं विधानसभा की। और यहाँ पर CPM, INC एक साथ हैं, TMC और BJP। तो देखिए CPM और INC यहाँ पे एक सीट पर मजबूत दिखाई दे रही है, एक सीट CPM और कांग्रेस के यानी वाम कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वहीं TMC की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पे फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, 8 सीटें मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी मजबूती के साथ लड़ रही है और BJP को यहाँ पर 6 सीटें मिल सकती हैं। तीसरे ज़िले की बात करें तो तीसरा ज़िला है झारग्राम। और झारग्राम में विधानसभा की 4 सीटें हैं और सीधे सीधे टक्कर जो है यहाँ पे BJP और TMC के बीच है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, TMC की बात करें तो TMC को भी 2 सीटें मिल सकती हैं, यानी दोनों का यहाँ बराबरी का मुकाबला रहेगा। CPM कांग्रेस यानी वाम कांग्रेस की बात करें तो वाम कांग्रेस को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिल रही है। नेक्स्ट चौथा ज़िला है पुरुलिया ज़िला। और पुरुलिया में भी विधानसभा की 9 सीटें हैं। पुरुलिया में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत है, वाम कांग्रेस मोर्चा बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, TMC भी उतनी ज़्यादा मजबूत यहाँ पर नहीं है। सबसे ज़्यादा मजबूत अगर कोई है पुरुलिया में इस समय तो वो है भारतीय जनता पार्टी यानी BJP। सीटों की देखिए बात करें तो यहाँ पर वाम कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। वहीं BJP की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत है और BJP को 5 सीटें मिल सकती है। TMC यानी तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो TMC को पुरुलिया में 3 सीटें मिल सकती हैं। तो यहाँ पुरुलिया ज़िला में 5 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे रह सकती है। अगला ज़िला बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है बांकुड़ा ज़िला। और बांकुड़ा में अगर हम बात करें तो विधानसभा की टोटल 12 सीटें हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। और BJP, TMC और वाम मोर्चा, कांग्रेस ये सभी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम मजबूत की बात करें तो BJP थोड़ा सा मजबूत है TMC से, हालांकि BJP और TMC में कांटे की टक्कर रहेगी लगभग सभी सीटों में। अगर हम बात करें यहाँ पर और वाम कांग्रेस के बारे में तो देखिए इसको 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है, 1 सीट पर मजबूत दिखाई दे रही है। TMC की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस को यानी TMC को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं। BJP की बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो BJP को यहाँ पे 6 सीटें मिल सकती है, यानी भारतीय जनता पार्टी बांकुड़ा ज़िला में भी
जो है कि टीएमसी पे भारी पड़ सकती है। हालांकि यहां पे कई सीटों पर कड़ी टक्कर है। अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है हावड़ा। काफ़ी महत्वपूर्ण ज़िला है हावड़ा, और हावड़ा में विधानसभा की काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, यानी 16 सीट है। और यहां पर देखिए क्या स्थितियां बन रही है। हावड़ा ज़िला में इस समय टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अगर हम टीएमसी की बात करें तो हावड़ा में टीएमसी को 12 सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी का गढ़ है हावड़ा। वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 सीटें हावड़ा में जा सकती है। बीजेपी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है। वहीं हम वाम कांग्रेस की बात करें तो हावड़ा में इनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी वाम कांग्रेस को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। अगले सातवें ज़िला की बात करें तो सातवां ज़िला है कोलकाता। और कोलकाता की बात करें तो कोलकाता भी टीएमसी का गढ़ है, और काफ़ी ज़्यादा ममता बनर्जी यहां पर पैदल मार्च करती रहती हैं। हमेशा अक्सर तस्वीरें आपको देखने को मिलती होंगी। तो कोलकाता की बात करें तो यहां पर विधानसभा की टोटल 11 सीटें हैं। और यहाँ टीएमसी की बात करें तो टीएमसी के खाते में सबसे ज़्यादा सीटें जाने की संभावना है। टीएमसी को 8 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी कुछ सालों में यहाँ पर पकड़ बनाई है, और बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस और वाम मोर्चा की बात करें तो कांग्रेस और वाम मोर्चा को यहाँ पर 1 भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें टीएमसी के खाते में, और टीएमसी का कोलकाता भी एक प्रकार से गढ़ है। नेक्स्ट ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है मालदा। और मालदा ज़िला में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, वहीं साथ ही साथ कांग्रेस और वाम मोर्चा भी यहां पर मजबूत है। बात करें टीएमसी की यानी तृणमूल कांग्रेस की, तो टीएमसी यहां पर बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है। टीएमसी काफ़ी यहां कमज़ोर हैं। और मालदा में जो सीधी टक्कर होगी कांग्रेस और बीजेपी और सीपीएम की, तो चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें सीटों की, तो टीएमसी के खाते में मालदा में 1 सीट जा सकती है, यानी 12 में से केवल 1 सीट। बीजेपी की बात करें भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस और वाम मोर्चा की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पे 6 सीटें जीत सकती है। इस 8 ज़िलों में सबसे ज़्यादा मजबूत जो दिखी है कांग्रेस मालदा के क्षेत्र में, तो यहाँ पे बीजेपी को 5 सीटें, कांग्रेस वाम मोर्चा को 6 सीटें, और टीएमसी को 1 सीट जो है कि मालदा ज़िले में मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब फाइनली इन 8 ज़िलों के सभी सीटों को अगर हम जोड़कर आपको बता दें कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, तो इन 8 ज़िलों की बात करें, मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा, हावड़ा और कोलकाता और मालदा की, तो सारे ज़िलों के मिलाकर के टोटल विधानसभा की 95 सीटें यानी 95 सीटें होती हैं। अब इन 95 सीटों में कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीट जा रही है, तो सबसे पहले हम बात करें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की, तो बीजेपी के खाते में 37 सीटें, जी हाँ, बीजेपी के खाते में 37 सीटें जा सकती हैं, जबकि पिछली बार 2016 के चुनाव में केवल बीजेपी के पास 3 सीटें मिली थी पूरे बंगाल में। वहीं हम बात करें टीएमसी की, तो तृणमूल कांग्रेस पिछली बार की अपेक्षा इस बार कमज़ोर हुई है, और टीएमसी को टोटल 49 सीटें मिल सकती है। वहीं हम बात करें कांग्रेस और सीपीएम के गठबंधन को, तो इसको 9 सीटें मिल सकती हैं, केवल 9 सीटों के साथ ही इसको संतोष करना होगा। वहीं अदर्स के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है। तो कुल मिलाकर हम इन 8 ज़िलों के 95 सीटों की बात करें तो उस हिसाब से टीएमसी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, और टीएमसी को 49 सीटें जो हैं कि मिल सकती हैं। तो ये था पश्चिम बंगाल के 8 ज़िलों का ओपिनियन पोल। आगे और ज़िलों के हम डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपिनियन पोल जल्द लेकर आपके बीच में आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।